हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएन की दुनिया में। आज है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। आप लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कुछ मीठा बनाना तो बनता है ना रिपब्लिक डे स्पेशल में, तो चलिए आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, विटामिन ए से बहुत भरपूर होती है। इसको किसी भी तरह से खाया जा सकता है, आप कच्चा खा सकते हो, सलाद के रूप में खा सकते हो, सब्जी में खा सकते हो, मीठे में खा सकते हो। और गाजर का हलवा तो एक ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में हर शादी पार्टी में बनता ही बनता है। लेकिन हम आज आपको वो वाला हलवा नहीं बताने जा रहे हैं, आज हम बताने जा रहे हैं आपको घर वाला गाजर का हलवा। तो देखते हैं कैसे बनता है घर का गाजर का हलवा। आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो गाजर ली है, 3-4 हमें चाहिए इलायची, छोटी इलायची ली है हमने, 2 चम्मच हमने लिया है देसी घी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने, 200 ग्राम शक्कर ली है, 200 से 250 ग्राम शक्कर ली है। आप अपने जैसा भी मीठा खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप मीठा रख सकते हैं गाजर का हलवा। और 1 किलो गाजर के लिए हमने 1.5 किलो दूध लिया है, हमने दूध फुल क्रीम लिया है अनंदा का। तो चलिए अभी बनाते हैं गाजर का हलवा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। सबसे पहले हम इन गाजर को छील लेंगे अच्छे से और इनको एक पानी से धुल लेंगे। हम सारी गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। हमारी गाजर ग्रेड हो चुकी है। ग्रेड करते समय एक ध्यान जरूर रखिएगा कि अपने हाथ मत काट लीजिएगा। अभी हम थोड़ी सी इलायची 4 ली है हमने, इनको हल्का सा क्रश करेंगे। बर्नल को कर लिया ऑन और इस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। थोड़ा सा केसर डालेंगे और जो हमने इलायची क्रश की हुई थी वो डालेंगे, और इसके अंदर जाएगी हमारी गाजर। गाजर हमने डाल दी है और इसमें अब जाएगा दूध। गाजर को दूध के साथ पकाना है। गाजर में दूध चला गया है। लो जी, कढ़ाई गई है पूरी तरह से भर, और अब इसको आराम से धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे। आज ना हमारी जो बड़ी वाली कढ़ाई है उसमें कुछ रखा हुआ था और आलस आ गया, कौन साफ कराए, कौन इतना वेट करे, इसलिए हमने इस छोटी कढ़ाई में ही गाजर का हलवा बनाने का फैसला ले लिया। क्योंकि मेरे को पता था मैं इसमें भी बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग ये मत करना, आप लोग थोड़ा बड़ा बर्तन ही लेना, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इसको तो भाई हम 2 सीटी लगा देते कुकर में डाल के तब भी बन जाता। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बन जाता। लेकिन आपने कभी खीर बनाई है? खीर बनाने में क्या होता है, चावल के साथ दूध जितना पकता है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे ही गाजर के हलवे का है, जब ये दूध के साथ पकेगा और जितना देर तक पकेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इसलिए हमने जी इसे पकाया है डायरेक्ट दूध के अंदर। अभी जो आपको मार्केट में हलवा मिलता है वो कैसे बनता है, उसमें कुछ नहीं करते। वो गाजर लिया, ग्रेट किया, उसको डाला कढ़ाई में और उसे ऐसे ही भून लिया, ठीक है। गाजर को पका लिया, शक्कर डाली, शक्कर पका ली उसके साथ में, इसके बाद मावा मिलाते हैं और गाजर का हलवा रेडी। वो भी कोई गाजर का हलवा है यार, जितना तसल्ली से जितना प्यार से आप पकाओगे ना उतना टेस्टी बनेगा। और गाजर के हलवे के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसको बनने में 40 से 50 मिनट तो आराम से लगेगा। आपके सब्र की परीक्षा लेता है गाजर का हलवा। और अगर आपको कुछ टेस्टी खाना है, कुछ अच्छा खाना है, कुछ हेल्दी खाना है, तो वक्त तो लगता है ना। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा दूध हल्का सा गाढ़ा होना चालू हो गया है। इसे बहुत धीमी धीमी आँच पर ही पकाना है ताकि गाजर ना बहुत अच्छे से पक जाए।
अब हम इसमें लिड लगा देंगे और इसे आराम से पकने देंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, गाजर को पकने से पहले ही ना, पूरी तरह से जब तक गाजर मेल्ट नहीं होने लगती उससे पहले ही हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, और जैसे ही इसके अंदर चीनी जाती है गाजर का कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। फिर आप कुछ भी कर लें, गाजर आपकी गलने वाली नहीं है। इसलिए जब आप चीनी ऐड कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी गाजर पूरी तरह से पक चुकी है। हम जब तक ये दूध पूरा सूख नहीं जाता, खोए में बदल नहीं जाता, तब तक इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए हमारी गाजर चुकी है पक, और अब हम इसके फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ना जल्दी हो जाए, हमारा दूध जो है ना जल्दी से खोया बन जाए। जब आप फ्लेम को बढ़ाते हो तो ये ध्यान रखना थोड़ा चलाते रहना है ताकि नीचे से कहीं लगे नहीं। 45 मिनट हो चुके हैं और हमारा हलवा जो है ना इस स्टेज पे पहुंचा है। अभी 5 से 10 मिनट और 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इसको थोड़ा ठीक होने में। जैसे ही दूध खोए में बदल जाएगा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। उससे पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा, वो है इसका तड़का तैयार करना। तड़का क्यों लगाना है? तड़का इसलिए लगाना है ताकि इसकी लाइफ ना बढ़ जाए। ऑप्शनल है, अगर आप घी पसंद करते हो, ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो तो लगाइए, वरना ऐसे भी अगर खाएंगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि तड़का लगाने के बाद इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। पचपन मिनट हो चुके हैं और हमारा हलवा यहाँ पे पहुँच गया जी। दूध पूरा जल चुका है और अब हम आंच को कर देंगे बिल्कुल धीमा, बहुत धीमा। और अब हम तैयार करेंगे इसके लिए तड़का। बर्नर को किया ऑन, इस पर रखा एक पैन। गाजर के हलवे को भी छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलाते रहना, पता चले नीचे से पकड़ ले। ये पैन हो गया हमारा गरम और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच के आसपास देसी घी। ये जो तड़के वाला स्टेप है ना, ये हलवे की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और टेस्ट को भी। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है, घी पसंद नहीं है, तो बहुत थोड़ा सा घी इसमें ऐड करके आप काम चला सकते हो। या अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप अब इसी स्टेज पे इसमें चीनी ऐड करिए और उसको अच्छे से पका लीजिए। लेकिन हम तो भाई देसी घी डाल के ही बनाएंगे। गर्म हो चुका है, थोड़ा सा केसर डालेंगे इसके अंदर और इसमें जाएंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम। इनको करेंगे रोस्ट और इसके बाद ये तड़का जाएगा हमारे गाजर के हलवे में। ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, केवल 1 से 1.5 मिनट। और अब ये जाएगा तड़का हमारा हमारे हलवे में और इसे कर देंगे मिक्स। इससे हलवे का जायका जो है ना बढ़ेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब इसमें हम डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, जो किसी भी मीठे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, चीनी। मैंने लगभग 250 ग्राम चीनी ली है, 250 ग्राम चीनी ली है। जैसे ही आप चीनी डालते हो आपके गाजर के पकने का स्टेप जो है ना बंद हो जाता है। और अभी आप देखना चीनी ऐड होने के बाद ना इसमें पानी छोड़ेगा गाजर। थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ाएंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। चीनी मेल्ट हो गई है और हमारा हलवा ना थोड़ा लिक्विडी हो गया है। अब इसको चीनी को अच्छे से पकाना है। अच्छा, पता कैसे चलेगा चीनी पक गई है? जब ये हार्ड होना चालू हो जाए ना, शेप लेने लगे गाजर का हलवा, तो आप समझ जाइए कि ये पक गई है। चीनी को पकाना बहुत ज़रूरी है
अगर चीनी कच्ची रह गई तो वो टेस्ट को ख़राब करेगी, इसलिए कोई जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से 7 से 8 मिनट और पकाना है मीडियम फ्लेम पे। कोई भी मीठा बना रहे हैं ना, उसमें एक चुटकी नमक डाल दीजिए। नमक क्या करता है, जितने भी फ्लेवर्स हैं ना उनको निखारता है। हमारा हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, अब मैं इसके केवल 5 मिनट भूनेंगे और फिर हम ये सर्व होने के लिए रेडी हो जाएगा। जितना अच्छे से आप हलवे को भूनोगे ना, इसकी लाइफ उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए भूनने में कंजूसी नहीं करनी, इसे अच्छे से पकाना है। हमारा गाजर का हलवा बनके हो गया रेडी, अब हम इसे सर्व करते हैं। और आपकी जैसी इच्छा हो, आप ठंडा खाना चाहते हैं ठंडा खाइए, गरम खाना चाहते हैं गरम, वैसे सर्दियों में तो गरम हलवे का ही ज़्यादा मज़ा आता है। हमारा गाजर का हलवा बनके हो गया रेडी, और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपका गाजर का हलवा कैसा बना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे अपने किचन स्पेशल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।